नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और खबर की शुरुआत करते हैं वेस्ट बंगाल से, जहां रेलवे डॉक्टरों के लिए तैयार कर रहा है पीपीई किट। जी हां, वेस्ट बंगाल के मिदनापुर जिले के खड़गपुर रेल मंडल कोरोना महामारी से लड़ने वाले कोरोना वॉरियर्स के लिए 2000 पीपीई किट की तैयारी कर रहा है। इस मुहिम में पीपीई किट की कमी को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। WHO के मानक को ध्यान में रखकर इन किटों को तैयार किया जा रहा है। सरओ की एक शाखा हुनर सिलाई सेंटर में इसे तैयार किया जा रहा है। दो मुख्य कारीगर और उनके 5 सहायकों की मदद से फिलहाल 20 किटों को प्रतिदिन तैयार किया जा रहा है। सरओ की प्रेसिडेंट प्रिया प्रधान ने कहा कि ये वायरस प्रूफ है। इस अवसर पर सरओ हुनर की कोषाध्यक्ष आकांक्षा गुप्ता, हुनर के इंचार्ज अमित वैष्णव के अलावा सीनियर DCM आदित्य चौधरी, सीनियर DM इंजीनियर संजय वैष्णव, सरओ सहायक TS राव उपस्थित थे। 2000 किटों के साथ 6000 मास्क को भी तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक दिन पहले ही निमपुरा गुरुद्वारा के पास 20 जरूरतमंद परिवारों को संपूर्ण राशन सामग्री का वितरण भी किया, सरो की तरह से किया गया। इसके अलावा खड़गपुर रेल मंडल के DCM कार्यालय की तरफ से भी प्रतिदिन 400 जरूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा है, जिसका खर्च रेल कर्मचारियों के यथासंभव सहयोग से हो पा रहा है। देखें पश्चिम बंगाल से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। देखिए ये जो मटेरियल है वो हम लोग खरीदे हैं, जो सारा ऑल इंडिया रेलवे पे डिफाइन किया गया है यही मटेरियल लेना है, स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है, वो मटेरियल हम लोग वहाँ से ले रहे हैं। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें सर्वो हेल्प कर रहा है, हमारे स्टाफ यूज कर रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता भी यूज कर, मतलब हम लोग अपने स्टाफ को भी, वॉलंटियर्स को भी यूज कर रहे हैं, तो वो जो मैनुअल काम है उसका पैसा हम लोग कम कर रहे हैं। ठीक है, मटेरियल का जो कॉस्ट है वो तो हम लोग पे कर रहे हैं। आपका परिचय दीजिए। मिसेस प्रधान हूँ, मिसेस DRM की वाइफ, सर्वो की प्रिया प्रधान, प्रेसिडेंट सर्वो के। तो ये जो हुनर के माध्यम से जो आप लोग करना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या है कि रेलवे को किस तरह का सपोर्ट मिल पा रहा है? देखिए रेलवे तो मटेरियल दे ही रहा है, उसके साथ साथ रेलवे का आगे सुपरवाइज करना और DRM साहब, सीनियर DCM साहब और DCM, सीनियर DME और DME, उसके साथ साथ उनके सपोर्टिंग स्टाफ भी आते हैं और हमारे सर्वो की तरफ से तो हमारी TS राव जी है, सबको लेकर चल रहा है। मैडम ये जो हुनर जो रहता है ये आप लोग का एक प्रकार सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करता है? हुनर स्टिचिंग सेंटर है, टीचिंग सेंटर है, तो ये स्टिचिंग काम है, तो हमें ये दिया गया और हमें इसमें ज़्यादा चीज़ रहा गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया कि हम इसमें ये नीट एंड क्लीन को मेंटेन करें और उसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, माने हाइजीन को प्रॉपर्ली आप लोग मेंटेन करते हुए एकदम एकदम। तो ये क्या ऊपर से आप लोगों को ऑर्डर मिला हुआ था कि जो रहता रेलवे, ये WHO की WHO से ऑर्डर आया है और जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस दिया गया है उसके हिसाब से रेलवे हॉस्पिटल भी, CMS साहब, टीचर नाजमी वगैरह से भी लिया गया है इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन, उसी हिसाब से करा जा रहा है। आजकल थोड़ा बहुत पोस्टर्स आ रहे हैं, जोक्स आ रहे हैं हमारे, जैसे कि हमारे क्वारंटाइन का ऊपर, आइसोलेशन का ऊपर, जैसे हमारी सोसाइटी अभी जिस तरह के अपने को खुद को बचा के रखा है अंदर, घर के अंदर, उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आ रहा है कि बेबस हो गया, इतना सब कुछ करने वाला इंसान आज बेबस होकर घर के अंदर बैठा है। ये नहीं है, छिपकर जब प्रहार करता है अदृश्य, जो छिपकर जब प्रहार करता है अदृश्य शत्रु, तब ये जो हमारे अंदर छुप जाना ये बेबसी नहीं बल्कि ये है विज्ञता की परिचय। धन्यवाद। This process has been funded by all the employees of Kharagpur Division of Commercial Department.
who has contributed profusely in order to take care of these needy people in the lockdown time. हम लोग उसको बढ़ाएंगे भी, है ना। ये जो सर ने पूरा लॉकडाउन जब तक चलेगा तब तक आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं? हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जब जितना तक हम लोग क्षमता है हम लोग करते रहें, जितना हम लोग के पास फंड गवर्नमेंट आता रहेगा हम लोग करते रहेंगे। तो सर ये सर हो आप लोगों ने परिश्रम के कितना फंड कंटिन्यू किया है? नहीं, कुछ फिक्स नहीं किया है। स्टाफ अपनी खुशी से जो दे रहे हैं, कुछ फिक्स नहीं किया हुआ है। जिसको जितना मन हुआ उतना दिया, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने जो भी जिसको इच्छा हुई वो कंट्रीब्यूट किया है। उसमें कोई सब कुछ वॉलंटरीली हो रहा है। जो डिस्ट्रीब्यूट करने आ रहे हैं, जो बनाने आ रहे हैं, जो देखने आ रहे हैं, जो सहायता करने, सब वॉलंटरीली है। जस्ट बिकॉज कि हम लोग जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको हेल्प कर पाए, इसलिए किया जा रहा है। थैंक यू सर, शुक्रिया, धन्यवाद। अगले खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां वरिष्ठ समाज सेवी द्वारा खाद्य सामग्री वितरित किया गया है। जी हां, खबर यूपी के प्रयागराज जिले से है, जहां कोरोना जैसी महामारी में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर वरिष्ठ समाज सेवी संजय मिश्र बनकटा व भाजपा जिला अध्यक्ष अश्विनी कुमार दुबे द्वारा प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में गरीब तबके के लोगों को खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया। 15 वर्षों से समाज की सेवा कर रहे वरिष्ठ समाज सेवी संजय मिश्र बनकटा ने कहा कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत झूंसी सहित जितने भी क्षेत्र हैं उस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोने पाएगा। तथा संजय मिश्र बनकटा ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करते हुए मैं लगातार लॉकडाउन 2.0 का पालन करते हुए तथा सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हर मंडल में जाकर गरीबों की मदद के लिए हर संभव कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें हमारे साथ ट्रांसपोर्ट व्यवसायी योगेश तिवारी, संगठन मंत्री तथा सचिव के माध्यम से मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूं। संजय मिश्र बनकटा ने कहा कि ये सभी लोग जो अपना अमूल्य समय देकर इस कड़ी धूप में हमारे साथ खड़े हैं और इन गरीब तबके के लोगों की मदद कर रहे हैं, ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं। देखें प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की ये रिपोर्ट। देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है, माननीय अमित शाह जी के आदेशों के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घर घर राशन सामग्री, खाद्यान्न सामग्री का वितरण कराने का अपने कार्यकर्ताओं द्वारा आदेश सुनिश्चित किया है, उसका पालन करीब 15 दिन से हो रहा है। और एक समाजसेवी हैं हमारे बगल के पड़ोसी और बड़े भाई, माननीय आदरणीय मेरे बड़े भाई संजय बनकटा जी, जो एक बहुत बड़े वरिष्ठ समाजसेवी हैं, उनके अनुसरण में प्रयागराज जिला अध्यक्ष गंगापार अश्विनी दुबे जी के नेतृत्व में माननीय वरिष्ठ समाज सेवी संजय बनकटा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं वरिष्ठ जो हमारे वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ अग्रणी, बड़े भाई, एसएसवी जिलाध्यक्ष अश्विनी दुबे जी प्रयागराज गंगा पार के, उनके नेतृत्व में सामूहिक जो संगठित उनकी एक टीम है, संपूर्ण टीम को बनकटा जी के कार्यों को जो 15 साल से लगातार किया जा रहा है, झूंसी से लेकर पूरे प्रतापपुर विधानसभा में जितने मंडल पड़ते हैं, जिसका खाद्यान्न का वितरण लगभग 15 दिन से संजय बनकटा के द्वारा किया जा रहा है, और उसमें माननीय जिलाध्यक्ष अश्विनी दुबे प्रयागराज इलाहाबाद गंगापार में झूंसी से लेकर प्रतापपुर विधानसभा के समस्त गांव, जहां लोग बहुत ही इस महामारी के संकट से जूझ रहे हैं, उनको जिलाध्यक्ष के निर्देशन में हमारे बड़े भाई संजय बनकटा जी और उनके
मंडल के अध्यक्ष, सचिव या समस्त पदाधिकारी, जीतलाल त्रिपाठी जी, लवकुश जी, ये लोग जितने भी हैं सभी लोग मेहनत रात दिन एक करके उनके साथ मैं भी एक छोटा सा कर। अगली खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से है, जहां हॉटस्पॉट स्थलों के ड्रोन कैमरे से होगी निगरानी। जी हां, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए हॉटस्पॉट स्थलों के ड्रोन कैमरे से होगी कड़ी निगरानी। आज दोपहर जिलाधिकारी डॉक्टर रूपेश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह की उपस्थिति में ड्रोन कैमरे की हुई शुरुआत। ड्रोन कैमरे से लॉकडाउन के दौरान विधि विरुद्ध जमाव को रोकने या किसी भी अन्य गतिविधियों पर प्रशासन की होगी पैनी नजर। दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों द्वारा उठाई गई समस्याओं का त्वरित संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मातहतों को निस्तारण के लिए दिए निर्देश। इस दौरान अपर जिलाधिकारी शत्रुघ्न वैश्य, सूचना अधिकारी विजय शुक्ल, उप जिलाधिकारी मोहनलाल गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र द्विवेदी, दिनेश द्विवेदी एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। देखे प्रतापगढ़ से विशाल रावत की रिपोर्ट। 112 की गाड़ियां ये सब तो है, इसी के साथ हमने एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए यहाँ पर ड्रोन मंगवाकर रेंज ऑफिस से अब ड्रोन से हम सर्विलांस करा रहे हैं। एरिया सर्विलांस, हमको ये पता चलता है कि जो पतली पतली गलियाँ हैं, खासकर जो हॉटस्पॉट के इलाके हैं आपके जामा मस्जिद और बेगम वार्ड के आसपास के, वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग अपने घरों से निकलकर एक साथ जमावड़ा बना रहे हैं। तो ये संतुष्टि की बात है कि जितना भी हमने एरिया सर्विलांस पिछले 3 फ्लाइट्स में देखा है उसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं आई है। जहाँ छोटी मोटी गाड़ियाँ या जहाँ पर लोग बैठे हुए दिखाई पड़े तो वहाँ तत्काल हमने एक गश्त भेज कर उनको हटवा दिया है और इसका प्रयोग हम आगे भी करते हैं। थैंक यू। अगली खबर यूपी के संभल जिले से है, जहां लॉकडाउन के लिए सीओ की अपील। जी हां, यूपी के संभल जिले के चंदौसी की गणेश कॉलोनी में लॉकडाउन की वजह से लोगों के काम बंद हैं। मजदूर परेशान हैं, सामान्य वर्ग किसी से मांग भी नहीं सकता, फिर भी लॉकडाउन का पालन कर रहा है। पुलिस प्रशासन और सरकारों का यह प्रयास है कि लॉकडाउन का पालन करें। चंदौसी के सीओ अशोक कुमार और कोतवाल धर्मपाल सिंह आम जनता से अपील कर रहे हैं। देखें संभल से प्रशांत वाषणी की रिपोर्ट। ज्यादा अपने घरों में रहें, उनके बच्चे बाहर ना जाएं, बिना काम के सड़क पे ना निकलें। अगर कोई बहुत अति आवश्यक कार्य है, सामान खरीदना है दवा के लिए, तो मुंह पे मास्क जरूर लगा के जाएं, क्योंकि सरकार ने इसके लिए 500 रुपये का जुर्माना भी कर दिया है कि अगर कोई बिना मास्क के जाएगा तो उसका जुर्माना 500 रुपये कटेगा। अनाधिकृत रूप से घूमने वालों के लिए IPC की धारा 188 उसके अंदर हम कार्रवाई भी करते हैं। मैं इस कॉलोनी वासियों को आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, कोई भी आदमी बिना काम के अपने घरों से बच्चों को बाहर ना निकलने दे, कोई लड़का बाहर ना जाए, कोई घर का महिलाएं घर की ना जाएं, कोई घर का पुरुष ना बाहर निकले, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। चाहूँगा कि हमारे पुलिस प्रशासन में आपसे कितनी लेडीज महिलाएं हमारी पुलिस प्रशासन में हैं और जो कि हमारी महिलाओं के लिए सेफ है, उनके लिए सेफ करने के लिए हमारी कोतवाली में कम से कम 20-25 महिलाएं ऐसी हैं जो लगातार इस ड्यूटी में कर्तव्यरत हैं। महिलाएं भी साथ में चलती हैं, महिलाओं को ही समझाती हैं कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें। इसीलिए हमारी जो थाने की महिला स्टाफ भी है वो बहुत आगे बढ़ चढ़ के वो काम कर रही हैं और महिलाओं को समझाने का वो पूरा उत्तरदायित्व उनका है, वो समझाती हैं, बताती हैं। और अगर कोई महिला नहीं भी मान लिए तो उनसे सख्ती से भी पेश आती है। और इसी बात हमारे साथ हमारे चंदौसी कोतवाल सिंह धर्मपाल सिंह जी आपके सामने हैं और मैं इनसे बात करना चाहूँगा। सर, हमारी चंदौसी को सुरक्षित करने के लिए आपने क्या क्या फैसले लिए हैं, आगे आप उनके बारे में क्या क्या सोचते हैं? इस बारे में हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय ने सब कुछ बता दिया। सर, इतना इस बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा अफिलिएटेड CBSE बोर्ड एडमिशन ओपन फॉर क्लास LKG टू 10th विलेज एंड पोस्ट पट्टा, तहसील भोरंज, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है। अगली खबर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से है, जहां फास्ट न्यूज इंडिया की सूचना का असर देखने को मिला है। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर, तहसील भोरंज के अंतर्गत ब्यूरो हमीरपुर जाहू में रह रहे प्रवासियों की झुग्गियों का निरीक्षण किया और उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह पहले हमें राशन उपलब्ध कराया गया था जो अब समाप्त हो चुका है। ब्यूरो हमीरपुर ने इसकी सूचना तहसील भोरंज के SDM अमित शर्मा को दी और उन्होंने तुरंत कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। 2 घंटे बाद ही सामाजिक संस्था हैप्पी क्लब सहायता के लिए
सामने आया। हैप्पी क्लब के प्रधान नरेश कुमार ज्योति ने कहा कि मुझे एसडीएम भोरंज ने सूचित किया और मैं तुरंत अपने क्लब के सदस्यों के साथ राशन सामग्री और साथ ही एक सब्जी विक्रेता राकेश कुमार के साथ मौके पर पहुंच गया। हम सब्जी राशन लेकर पुलिस चौकी जाहू पहुंचे। यहां पर हमने एएसआई के एस ठाकुर से गरीब प्रवासियों को राशन सब्जी बांटने की बात कही और उनसे सामग्री बंटवाने में सहायता मांगी। एएसआई के एस ठाकुर अपने दल के साथ तुरंत मदद के लिए आगे आए और उन्होंने अपनी देखरेख में जाहू बाजार के 110 गरीब व प्रवासी परिवारों को राशन और सब्जियों का वितरण करवाया। इस मौके पर एएसआई के एस ठाकुर ने हैप्पी क्लब के सदस्यों और सब्जी विक्रेता राकेश कुमार और उनके सहयोगियों का आभार जताया और साधुवाद दिया। राशन और सब्जियां मिलने पर प्रवासियों ने अपनी प्रसन्नता जाहिर की और सबको धन्यवाद दिया। देखें हमीरपुर से रतन चंद की रिपोर्ट। फर्स्ट न्यूज इंडिया के दर्शकों को नमस्कार। अभी हम जाऊ एरिया में हैं। यहाँ पर ये हैप्पी क्लब के लोग अपनी तरफ से यहाँ पर लोगों के लिए, प्रवासियों के लिए, गरीब परिवारों के लिए सब्जी राशन बांट रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे साथ पुलिस प्रशासन भी मौजूद है जाऊ का, जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं। आप सब लोगों से निवेदन है कि अपने थैले लेके आए और आराम से सब्जी वाले हमारे साथ अभी हैं हैप्पी क्लब के प्रधान, आइए उनसे जानते हैं। सर हम जो है इन बाहरी मजदूर जो आए हैं उनको राशन वितरण कर रहे हैं जी। सर हम 25 तारीख से कंटिन्यू चले हुए हैं। आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम भी आपको देख रहे हैं कि हर जगह आप लोग जो है करिए। आज हमने सवेरे ही यहाँ पर लोगों की प्रॉब्लम जानी थी और यहाँ पर हमने यहाँ के साहब केवल सिंह जी से बात की थी तो उन्होंने उनको बताया था कि हम यहाँ राशन बांटेंगे। वो आपकी बताया था और आपने 3 घंटे में यहाँ पर आकर इनकी जो मदद की है इसके लिए आप सराहना के पात्र हैं। आपसे निवेदन है कि अभी आप मिस्टर का आइए हम साहब से बात करते हैं। सर आप भी यहाँ मौजूद हैं, ये हैप्पी क्लब जो है अपनी तरफ से राशन है, इनके बारे में आपके 2 शब्द। नमस्कार जी, हैप्पी क्लब की तरफ से बाहरी मजदूरों को यहाँ पर राशन वितरित किया जा रहा है। हम उनका सहयोग कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है, बाकी हम आपके साथ हैं और पब्लिक भी सहयोग कर रही है। थैंक यू सर। ओके, इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग, कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नज़र। यदि चैनल को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या अन्य किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें, हम आपकी आवाज़ बनाएंगे बुलंद आवाज़।